आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बलाईगढ़ में विधायक के घर ईडी ने की छापेमारी। रायगढ़ में जिला पंचायत की बैठक, 3 निर्वाचित सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार। जांजगीर चांपा में शिक्षा अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 72 लाख रुपए गबन करने का आरोप। रायगढ़ में भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन, विधायक प्रकाश नायक के घर का किया घेराव। अंबिकापुर में शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय के घर ईडी ने छापेमारी की। आपको बता दें कि ईडी की जांच सुबह से ही जारी है। अभी तक ईडी की टीम के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद है। पीएम मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद नारा लगाकर ईडी का बहिष्कार किया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। रायगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य सरकार द्वारा अंशदान रोकने का आरोप लगाते हुए भाजपा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, जिसके तहत आज रायगढ़ में भी जिला भाजपा ने विधायक प्रकाश नायक के घर का घेराव किया और जिला भाजपा कार्यालय से बीजेपी ने रैली निकाली, जो शहर के कई मार्गों से होते हुए विधायक निवास कोतरा रोड पहुंची। तो वहीं विधायक निवास के कुछ दूर पहले ही तोड़ पुलिस ने भाजपाइयों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा रखे थे। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। वहीं महाराणा प्रताप चौक पर भाजपाइयों ने सड़क पर बैठकर काफी देर तक नारेबाजी भी की। पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उनकी सरकार के द्वारा 16 लाख गरीबों का आवास रोक के रखा गया है। आज हम उन आवासहीनों का आवास जिन्होंने भूपेश बघेल सरकार ने रोक के रखा है और जिसे रायगढ़ में प्रकाश नायक ने रोक के रखा है, हम उन गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। हम आज यहाँ प्रकाश नायक विधायक का कार्यालय के घेराव में आए हैं कि राजनीति आप करो, लेकिन गरीबों के आवासहीनों के आवास को लूट कर छीन कर इतना बड़ा पाप मत करो आप। और आज हम इसी मांग को लेकर यहाँ आए हैं कि प्रकाश नायक या तो अपने विधानसभा में आवासहीनों का जिनका आवास मिलना था आपने रोका, उनको आवास दो, नहीं तो इस्तीफा दो, वरना 2023 में आम जनता आपको उखाड़ के फेंकेगी। छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीबों के मकान को, उनके पक्का छत के अधिकार को छीनने का पाप छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया है, इसलिए हम प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका घेराव कर रहे हैं। आज रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक का घेराव किया गया है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में यह क्रम चल रहा है। गरीबों के अधिकार की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी सड़क पर लड़ रही है। रायगढ़ की जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। बता दें कि जिला पंचायत के 3 निर्वाचित सदस्यों ने सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया। तीनों सदस्य भारतीय जनता पार्टी से हैं। तीनों का आरोप था कि उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं को सभा में रखने का मौका ही नहीं दिया गया। आज हमारे सामान्य सभा की बैठक में जो बात आई हमारे सदस्यों के द्वारा, उसको जानकारी लेकर किया गया और सभी अधिकारियों ने अपने अपनी जो मांग की थी उसकी जानकारी वो लोग बताए। बहिष्कार उन लोगों को का, देवेंद्र बहादुर सिंह जो हमारे सदस्य हैं वो खाली वही बोलेंगे तभी माने समझ लीजिए सभा चल पाएगी। एक मौका रहती है, उनको जो बोलना रहता है उनका एक समय रहता है और समय के अनुसार उनको हम 2 बार 3 बार समय दिए,
लेकिन वो हमेशा बोलने के लिए उतारू रहते हैं और हमारे 25 सदस्य हैं तो 25 सदस्यों को सबको देखना पड़ता है और उसी को मैंने उसको मना किया कि आप 3 बार बोल चुके हो, 3 बार हम जवाब दे चुके हैं हमारे अधिकारी लोग और उसके बावजूद आप ही बोलते रहते हो, ये गलत बात है और सभी सदस्यों को मौका दिया जाए। अभी धान खरीदी के बाद किसान लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है, अपेक्स बैंक में कैश की क्षमता कम है उस पर चर्चा हुई और उनको ATM कार्ड नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, रबी फसल के लिए खाद बीज कहाँ कहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाया, किस कारण से नहीं पहुँच पाया। और इसके बाद स्कूल विभाग का 2 एजेंडा था, एक तो मरम्मत, जहाँ भी जीर्णोद्धार शाला है मरम्मत योग्य है उसका मरम्मत कराने के लिए एस्टिमेट बना के सूची भेजना है। दूसरा, एकल शिक्षकीय शाला जहाँ भी है वहाँ शिक्षा व्यवस्था करना है, कलेक्टर सर भी कहा है। इसके बाद वन विभाग का था, वन विभाग जहाँ भी वन विभाग के अंतर्गत सड़कें बन रही हैं वहाँ वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, उसके संबंध में चर्चा था। किसानों से संबंधित, किसानों को अपेक्स बैंक में पैसा निकालने में तकलीफ हो रहा है, उस संबंध में हम लोग चर्चा करना चाह रहे थे और उस संबंध में अपेक्स बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया गया था यहाँ पर और वो अधिकारी वहाँ मौजूद थे और उनसे हम लोग प्रश्न कर रहे थे तो हम लोगों को प्रश्न करने से रोका गया और हमारे साथ माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और घुड़की अंदाज में हम लोगों को बोला गया, इसलिए उनका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आज बहिष्कार किया। हमारे जितने सदस्य आज उपस्थित थे वो लोग भी आज वॉकआउट कर दिए। जांजगीर में शिक्षा अधिकारी के एस तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि शिक्षा अधिकारी पर कोतवाली पुलिस ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विरुद्ध 72 लाख रुपए से अधिक राशि गबन करने का आरोप लगाया है। बता दें कि DU के पद में रहते हुए KS तोमर ने बलौदा के एक स्कूल को पात्रता से अधिक की राशि फर्जी तरीके से स्वीकृत कराकर गबन किया था, तो वहीं इस मामले में पुलिस ने स्कूल संचालक के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के क्लर्क को भी पहले से गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत का मामला 420 का पंजीबद्ध किया गया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यह फर्जीवाड़ा हुआ था जिसपे से 72 लाख रुपये राशि का गबन किया गया था। इस पूरे प्रकरण में 3 आरोपी को पहले लिपि, कंप्यूटर ऑपरेटर और संचालक मयूरा कॉन्वेंट स्कूल के संचालक गिरफ्तारी पूर्ण हो चुकी थी और इस पूरे प्रकरण में गंभीरता से जांच की गई थी, जिसमें पूर्व DO कुंजल सिंह तोमर के विरुद्ध भी साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनको भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भाजपा कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है, जिसके चलते भाजपा के सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चिंतामणि महाराज विधायक और संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन के निवास को घेर कर मोर आवास मोर अधिकार के तहत विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन को राजपुर SDM को सौंपा है। इनका आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को केंद्र से मिलने वाली प्रधानमंत्री आवास की राशि को रोक दिया गया है, जिससे लोगों का आवास नहीं बन पा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आप सभी लोग को मालूम है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में गरीबों के लिए जिनका सपना रहता था कि हमको आवास मिले, आवास बनाएं, और जो ऐसा परिवार जो अपना पक्का का मकान नहीं बना सकता था, ऐसे लोगों को चिन्हित करके आवास देने का काम, आवास के लिए राशि उपलब्ध कराने का काम किए थे। लेकिन जब से यह भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार बनी है तब से पूरे आवास हितग्राही अपने मकान बनाने के लिए राशि के लिए भटक रहे हैं और यह सरकार जो है अक्षम सरकार, निकम्मी सरकार, यह सरकार पूरी राशि को रोक के रखी है, जिसके चलते आवास जिसका स्वीकृत है, जिसका आवास अपूर्ण है, जिसका आवास डोर लेवल तक हुआ है, उनका आवास नहीं बनने पा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे हितग्राहियों की लड़ाई अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे प्रदेश में इनका लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरी है, सड़क पर उतरी है।
अंबिकापुर में सभी एलबी शिक्षकों ने पूर्व सेवा गणना शिक्षा मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि एलबी शिक्षकों में असमंजस की स्थिति को देखते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर पांच सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इनकी मांग है कि पेंशन योजना में सुधार किया जाए, साथ ही वेतन विसंगति को दूर करने की बात कही है। इन सभी बातों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन है तो हमारी सेवा की गणना नहीं की जा रही है। हम सरकार को सांकेतिक रूप से अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमारी नियुक्ति तिथि से प्रथम नियुक्ति जो हमारी 1998 है वहां से हमारी सेवा की गणना करें, जैसा उन्होंने संविलियन के समय किया। पुरानी पेंशन के समय भी हमारी मांग है कि इसकी गणना करें, और जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि क्रमोन्नति पर हम निर्णय लेंगे, उस पर उन्होंने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया। हम लोग ये चाहते हैं कि उस पर भी निर्णय हो। वेतन विसंगति की बात है, ये पांच सूत्री मांग है हमारी। यदि पुरानी नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा की गणना में कोई त्रुटि असमंजस की स्थिति है तो 33 साल में जो पेंशन देने की बाध्यता है उससे कम करके सरकार 20 वर्ष करे। संगठन की ओर से हम आदरणीय भूपेश बघेल जी से मांग रखते हैं। और के लिए जो ओपीएस और एनपीएस का विकल्प राज्य शासन ने दिया है, उसमें राज्य शासन से हमारी मांग है कि आप एलबी संवर्ग को उनके प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करते हुए पूर्ण पेंशन का लाभ दीजिए। जो हमारे शिक्षक साथियों की वेतन विसंगति है उसको दूर कीजिए। जो हमारा पदोन्नति क्रमोन्नति की मांग थी, जिसको कि आपने घोषणा पत्र में कहा था, उसको पूरा कीजिए। इन मांगों को लेकर आज हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं और शासन को हमने संदेश दिया है कि आप हमारी मांगों पर अति शीघ्र जो है निर्णय करके हमको जो मांगे हैं उसको पूर्ण कीजिए। दूसरी बात कि आपने जो एक तरफा अनुबंध पत्र जारी किया है ओपीएस और एनपीएस के लिए, उनकी जो शर्तें हैं उन शर्तों में हमारी भी बातों को शामिल कीजिए, और बिना अनुबंध के आप जो है हमारे लिए ओपीएस की घोषणा कीजिए और ओपीएस को लागू कीजिए। इन बातों को लेके ही आज हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन से अपनी बात मनवाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। ये पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा है, तो इनके द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी कुछ मांगे हैं ओपीएस और एनपीएस से लेके, जैसे कि प्रथम नियुक्ति जो इनकी तिथि है ना, तो उसकी सेवा की गणना की जाए पुरानी पेंशन योजना में। मुख्य मांग की यही है, तो इनकी मांग को लेके मैं प्रशासन को अवगत कराऊंगा और इनकी जो भी मांगे हैं तो आगे तक पहुँचाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होगा। और इसी अपेक्षाओं के साथ अकलतरा में बसंत महोत्सव का आगाज हुआ। इस महोत्सव में संगीत समारोह समिति का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों से शास्त्रीय संगीत के साथ साथ संस्कृत भाषा को भी आगे बढ़ाने की अपील की गई। पामगढ़ के चैतन्य कॉलेज में 22वां चैतन्य महोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के फिल्मी सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में गोरेलाल बर्मन उपस्थित रहे। इस दौरान पद्मश्री अनुज शर्मा ने चैतन्य महाविद्यालय की व्यवस्था और शिक्षा संस्कृति की प्रशंसा करते हुए कहा कि चैतन्य कॉलेज सही मायनों में शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों के माध्यम से जनमानस में चेतना का संचार कर रहा है। इस दौरान उन्होंने मंच से छत्तीसगढ़ी गाना प्रस्तुत कर मौजूद छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छत्तीसगढ़ की आत्मा ना बिलासपुर संभाग में बसती है, और ये जांजगीर चांपा जिला ऐसा है जहाँ एकदम आत्मा है छत्तीसगढ़ के संस्कृति की, यहाँ के खान पान की, यहाँ के रहन सहन की, यहाँ के बोली भाषा है। और ऐसी जगह पर आना, वो भी चैतन्य महोत्सव 22वां जो संस्करण है, 22वां वर्ष है, और मैं इससे पहले एक बार और आ चुका हूँ, यहाँ आना हमेशा एक अद्भुत अनुभव रहता है। एक बहुत बढ़िया वेल मैनेज्ड कॉलेज है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये क्षेत्र जो पहले रिमोट एरिया कहा जाता था, वहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशन का होना जहाँ पर 1800 छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं, ये इस इंस्टीट्यूशन के सक्सेस को बताता है कि कितने अच्छे तरीके से चल रहा है और इतनी लंबी जर्नी इन्होंने की है। तो मैं बहुत सारी बधाई दूंगा, और ऐसे फेस्टिवल में आना, यूथ से मिलना हमेशा एनर्जी देने वाला कार्यक्रम होता है, तो मुझे आगे बहुत अच्छा। सूरजपुर में SECL विश्रामपुर क्षेत्र में कोयला खदान से प्रभावित ग्राम पंचायत पोड़ी के सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुषों ने अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। तो वही ग्रामीणों का आरोप है कि SECL द्वारा क्षेत्रवासियों को
क्षेत्रवासियों का शोषण किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा कि कोयला खदान से प्रभावित ग्रामीणों को नौकरी, मुआवजा, भू स्वामियों के बच्चों को उच्च शिक्षा और किसानों को कृषि कार्य के लिए सिंचाई सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। कि पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो खदान है, जब छत्तीसगढ़ का जन्म नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ बनना नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार थी उस समय से खदान खुला हुआ है। 22 से 25 साल हो गए लगभग, अभी तक वहाँ के जो युवा हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया, वहाँ के जो महिला हैं, महिलाओं को वहाँ पर उनका अधिकार नहीं मिल पाया, जो भूस्वामी जो है उनको अभी तक ना तो मुआवजा मिला है, ना तो किसी को नौकरी मिल पाया है। अभी मैं कहना चाहूँगा कि जो नीचे में जो जमीन है, जमीन के नीचे में कोयला निकल जा रही है, उसके बाद में पानी नहीं रहेगी वहाँ पर, तो हमारा जो किसानों भाइयों का खेतिहर जमीन है, खेतिहर जमीन में अगर पानी नहीं रहेगी तो खेती कैसे करेंगे, मेन उस पर आश्रित है हम लोग। बेसिकल जो ग्राम पंचायत थोड़ी को अधिग्रहण कर रहा है ना, आज तक हम लोग को मौजा या नौकरी कुछ ले दिया है इसी का संबंध है, तो आगे हम लोग पूरी तरह से हम लोग बेसिकल को रोक लगाएंगे और निश्चित तालीम हड़ताल करेंगे वहाँ पर जाके। कलेक्टर में दिए हैं ज्ञापन आज रैली के माध्यम से, हाँ। पूरे ग्राम पंचायत के हम लोग सभी हैं, वो तो मौन धारण करके रखे हैं, पता नहीं उनका क्या विचार है। सरपंच जी का वो तो भाई हम लोग को पता नहीं, हम लोग तो 3-4 बार उनको खबर किए कि हम लोग को आंदोलन को साथ दीजिए, ग्राम पंचायत का हम सभी वासी आज हैं सामने आए हैं। हम लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस में अपना जो हमारी समस्या है ज्ञापन उसको सौंपने आए हैं, हमारी मांग हमको पूरी करना चाहिए और हम लोग ये ACCL से हम नौकरी मांग रहे हैं। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।